नमस्कार, स्वागत है फिर से म्यूजिक गैंगवे में। ठीक है, चलिए मैं 2 मिनट आप लोगों का आज लेने वाला हूँ स्पेशल, क्योंकि कुछ कमेंट्स आते हैं हमेशा और मैं 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ बहुत सारे वीडियो में। ठीक है, और उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो गलत होने के कारण क्या है, कैसे कमेंट्स आते हैं, क्या वजह है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 2 मिनट लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में अभिरुद्धता जो है सर्ज ग्राम की मूर्छना थी, 22 नंबर क्वेश्चन शायद ऐसा था और मैंने मध्यम बता दिया था। ठीक है, अब आगे पीछे मैं उस क्वेश्चन के बारे में देखे होंगे कि मैंने बताया भी है, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें याद नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस दिमाग से उतरने की वजह से, कभी कभी किताबों में गलत देने की वजह से, और बच्चे जो टाइप करते हैं वो मिसप्रिंट कर देते हैं। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि बोर्ड पर मैं कितनी बार सही करता हूँ। ठीक है, तो 3 कारणों की वजह से गलत हो जाता है। पहला चीज़ कि मैं आप लोग को गलत क्यों बताऊँगा और गलत क्यों बताना चाहता हूँ, क्यों ऐसा करूँगा। ठीक है, तो मैं जानबूझकर गलत नहीं करता हूँ, किताबों की वजह से कहीं कहीं पर गलत हो जाती है, और मैं बहुत अध्ययन नहीं करता हूं क्योंकि स्कूल रहता है और उतना टाइम नहीं रहता है। मैं आता हूं, जल्दीबाजी में देखता हूं, कर देता हूं। कुछ क्वेश्चंस ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ क्वेश्चन किताबों की वजह से, और कुछ क्वेश्चन टिक मारते समय इधर उधर माइंड डाइवर्ट की वजह से हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मिस फॉल्ट हो जाते हैं। ठीक, अब कमेंट्स आते हैं कि मतलब 2 तरह के कमेंट्स आते हैं। कुछ बच्चे सुझाव पूर्वक कमेंट्स करते हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत था, सर इसका आंसर ये होगा। लेकिन कुछ जो है तेजू खान है, जो बहुत तेज बनते हैं, तो वो कहते हैं थोड़ा पढ़ लिया करो, थोड़ा ये करो, गलत बता रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, ये बात है, वो बात है। ठीक है, तो वो लोग थोड़ा ध्यान देंगे, गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप जहाँ सही पढ़ाया जा रहा है वहाँ पढ़िए, पहली चीज। दूसरी चीज़ है कि मैं हमेशा हर वीडियो में मेंशन करता हूँ, ठीक है, कि 100 क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज़ है कि 99 सही है तो उस पर बहुत कमेंट्स नहीं आते, लेकिन 1 बाय मिस्टेक कहीं गलत हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, अध्ययन न करने की वजह से, या किताबों के मिस फॉल्ट से गलत हो गया, तो कमेंट्स बाजी चालू हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट्स करिए, मैं तब देखता हूँ आपका कमेंट, तब मुझे पता चलता है, मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ कि हाँ गलत हो गया है, नहीं तो मुझे लगता है सही, सारे क्वेश्चन मैंने सही बताए हैं, सही बताया था, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी सी मेरे अंदर थोड़ी सी कमी ये है कि मुझे उतना टाइम नहीं रहता है कि 1-1 क्वेश्चन पर पूरा बढ़िया से विस्तृत अध्ययन कर पाऊँ कि हाँ ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। ठीक है, ऐसा रहता है कि हाँ याद है, चलिए तो थोड़ा बहुत मिस फॉल्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्यों गलत बताऊंगा, क्यों गलत बताना चाहता हूं। ठीक है, मैं भी नहीं चाहता हूं कि गलत बताऊं, जैसा मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, आप लोग सभी लोग देखते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सर समझ में आता है, अच्छे हैं। कुछ बच्चे इस तरह कमेंट किए थे सर वीडियो मैं बहुत देखता था, मैं देखता हूँ कमेंट्स देखता हूँ, तो उसमें बताया बोल रहे थे कि इसी वजह से मैं नहीं वीडियो देखने से डरता हूँ, नहीं देख रहा हूँ, नहीं देखता हूँ अब, कि सर बहुत गलत पढ़ाते हैं। अरे बहुत गलत का, किसी का भी 100 वीडियो देखिए, उसमें 10-15 गलती मिलने ही वाले हैं आपको। ठीक है, और गलती का कारण ये होता है, मेरा पर्सनली कारण ये होता है कि मैं इसी पे निर्भर नहीं हूँ और यही मेरा काम नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से उसको विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाता हूँ, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब अगर आपको बुरा लगे तो थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। और 1-2 मिस फॉल्ट मेरा 3 कारण है क्वेश्चन गलत होने के, और ये कारण किसी के साथ भी हो सकता है। पहला चीज़ है कि कुछ किताबें हैं जिसमें गलत दे देता है, उसको अध्ययन किए वही चीज़ें बता दिए, इस वजह से कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं। दूसरा चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस। तीसरा चीज़ होता है कुछ मिसप्रिंटिंग, मिस फॉल्ट हो जाता है, और मैं बहुत अध्ययन नहीं करता हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, कमेंट्स आते हैं सर पढ़ लेना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आप गलत पढ़ाते हैं, कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसे ही जो मन करता है पढ़ा देते हैं,
थोड़ा पढ़ लिया करो, सीख लिया करो। कुछ लोग तेजू खान है जो बहुत विद्वान है, उनसे कभी गलती नहीं हुई है, ना गलती करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोग भी कमेंट्स करते हैं, ठीक है, कोई नहीं। थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि जहाँ 99 सही बताया गया है, एक गलत बताया गया है, तो हो सकता है मिस फाल्टर। ऑलरेडी मैं हर वीडियो में मेंशन करता हूँ भाई कि अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप लोग कमेंट्स करिए, ठीक है, और मैं उसको रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ यूट्यूब गूगल सर्च किताबों में देखता हूँ, कई जगहों पर देखता हूँ, तो लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मैंने गलत बताया है, ठीक है। सुशील वाद्य से संबंधित, तत्वाद्य से संबंधित, वाद्य यंत्र से संबंधित एक दो क्वेश्चन मिस फाल्ट किए थे मैं, बता दूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं तत्वाद किसे कहते हैं, सुशील घन औना तो मुझसे अच्छा नहीं जानता है कोई वाद्य यंत्र के बारे में, ठीक है, कि तार से बजाने वाले तत्व होते हैं, मैं उस वाद्य यंत्र के बारे में नहीं जानता हूँ, इस वजह से कभी कभी गलत हो जाता है। हाँ ये है कि उसको जान लेना चाहिए, ठीक है, किताबों में गलत दे दिया मैंने, पढ़ा कोर्डोफोन क्या होता है, वायलिन क्या होता है, ठीक है, और मैं जानता नहीं था, किताबों में दिया था, मैं उसी के अनुसार बता दिया, फिर मुझे बाद में चला मैं वायलिन देखा तो मैं भी बता सकता हूँ कि यार वो तत्ववाद्य है, सुशील वाद्य मुंह से बजते हैं, तो कौन गलत बताएगा। मुझे लगा वायलिन माउथ ऑर्गन को कहते हैं, मैंने बता दिया, कोर्डोफोन सुशील वाद्य किताबों में दिया था, मैंने बता दिया। अब जब गलत होता है तब मैं पता करता हूँ, अरे यार कोर्डोफोन क्या है, कैसा वाद्य है, मैं देखा तो ये तो तत्वाद्य है, ठीक है। लेकिन उसी में लोगों को लगता है कि ये वाद्य यंत्र तत्व सुशील इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हाँ जो लोग ज़्यादा तेज बन रहे हैं या तेज हैं, उनको सुझाव है कि थोड़ा माइंड न ले पहली चीज़ें, और दूसरी चीज़ें कि मैं तो हमेशा कहता हूँ यार कि गलती मैं करता हूँ, करूँगा, सबसे गलती होती है, ठीक है, लेकिन जानबूझकर कोई गलती नहीं करता है, ठीक है। और मैं क्यों आपको गलत बताऊंगा, क्यों गलत पढ़ाऊंगा, मेरी बदनामी है, मुझे बुरा लगता है, ये पूरे 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूरे वीडियो मिस्टेक हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, कमेंट आते हैं तो, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग थोड़ा इसको समझिए, ठीक है, स्पेशली मैं आप लोग का 5-6 मिनट लिया इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चनों में कुछ फॉल्ट होते हैं, कारण भी मैं बता दिया कि क्यों फॉल्ट होते हैं, कुछ किताबी फॉल्ट होते हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की होता है कि नहीं नहीं यही होगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मिस प्रिंटिंग टाइप की वजह से होती है, अध्ययन न करने की वजह से होती है, कई चीज़ें हैं क्वेश्चंस गलत होने के, ठीक है। और अगर आप लोग 100 वीडियो ऑब्जेक्टिव का किसी का भी देखिएगा, उसमें 10 क्वेश्चन गलत नहीं मिले तो फिर मुझसे कहिएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग देखते होंगे जो लोग पढ़ाते हैं वो लैपटॉप वगैरह से, वो लोग MCQ वो अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, ऑनलाइन इस तरह से नहीं बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो सब किताबें लेकर या कहीं से ज़्यादा वो चीज़ करके रहते हैं। मुझे इतना क्वेश्चन 100-100 क्वेश्चन 80-80 क्वेश्चन आकर रखना, याद करना, ये सारी चीज़ें मैं खुद कर लेता हूँ, कैसे करता हूँ, और इसमें भी एक दो फॉल्ट हो जाता है, तो ये मेरे लिए तो वो है कि कम से कम मैं इतना कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे भी याद करना रहता है, मुझे भी रटना रहता है, कहीं भूल जाता हूँ, कहीं गड़बड़ हो जाती है, नहीं तो मैं भी चेहरा इधर ऐसे बताता, किताबों से देखकर बताता, कभी कभी हेल्प लेता हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, सर भूल गए, सर देख रहे हैं, सर क्या है, तो क्या मैं गलत बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, गलत हो रहा है जरूर कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा उसको माइंड ना लीजिए, उसको सही कर दिया जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेशली है, मैं कई वीडियो में बताता भी हूँ, अभी 50 क्वेश्चन बताऊंगा, आपने किसी अलग किताब से पढ़ा है, मैंने किसी अलग किताब से पढ़ा है, और ये संगीत हमारे घर की हमारा बनाया हुआ नहीं है, तो कहीं से इसमें भ्रांतियाँ रहती है, गलती आ जाती है, गलत निकल जाता है, ठीक है। तो मैं आगे से कोशिश करूंगा, करता भी हूं कि कम से कम गलतियां हों। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, लेक्चर ज़्यादा हो गया लेकिन इसको दिमाग में रखिएगा, कभी भी कोई गलती कर रहा है उसको बहुत दंड और बहुत अपमानित करने की जरूरत नहीं, कोई भी है, घर का दोस्त मित्र कोई भी है, ठीक है। चीज़ों को समझिए, बातों को समझिए, सुझावात्मक सलाह दीजिए, और ये समझिए कि वो गलती आपसे भी हो सकती है, थोड़ा सा वहां पे खड़े होकर देखिए आप लोग, ठीक है।
ये देखिए यहीं पे पहला क्वेश्चन ही फॉल्ट था, तो मैंने एक बना दिया है। चलिए देखते हैं, जात के कितने भेद थे? जात के कितने भेद थे? 2, 3, 10, 5। आगे उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जात के कितने भेद थे? 2, 3, 10, 5। तो जात के दो भेद थे, ठीक है ना, शुद्ध जात और विकृत जात। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन गड़बड़ था इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया था सीधे उसको पहला करके। शुद्ध जातियों की संख्या कितनी थी? 5, 11, 7, 9, ठीक है, 5, 11, 7, 9। शुद्ध जातियों की संख्या कितनी थी? 5, 11, 7, 9। तो आप लोग या जानते होंगे कि शुद्ध जातियों की संख्या 7 थी, ठीक है। यहाँ पे दिया है विकृत जातियों की संख्या कितनी थी? 5, 9, 7, 11। तो विकृत जातियों की संख्या कितनी थी? 11, ठीक है ना, शुद्ध 7 और 11 विकृत जातियां थी, टोटल 18 जातियों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे देखिए, सड़ज ग्राम से कितनी जातियां बनती हैं? कितनी जातियां बनती है? 4 शुद्ध 3 विकृत, 4 शुद्ध 8 विकृत, 3 शुद्ध 4 विकृत, 3 शुद्ध 8 विकृत। तो सड़ज ग्राम से 4 शुद्ध और 3 विकृत जातियां बनती है, ठीक है। कौन कौन जातियां बनती है हम लोग धीरे धीरे आगे वीडियो में देख लेंगे। मध्यम ग्राम से कितनी जातियां बनती है? 8 शुद्ध 4 विकृत, 4 शुद्ध 8 विकृत, 3 शुद्ध 8 विकृत, 8 शुद्ध 3 विकृत। तो मध्यम ग्राम से 3 शुद्ध और 8 विकृत जातियां बनती है, ठीक है। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, मतंग ने कितने प्रबंध माने थे? 52, 36, 49, 21। तो मतंग ने 49 प्रबंध माने थे, ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन, प्राचीन समय में प्रबंध के कितने अंग माने जाते हैं? सॉरी, प्राचीन समय में प्रबंध के कितने अंग माने जाते थे? 4, 6, 5, 7। तो प्रबंध के कितने अंग माने जाते थे? 6। ये सारी चीजें पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे रिविजन कर रहे हैं जब तक एग्जाम ना हो। हाँ, एक क्वेश्चन आता है, सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, स्टेट का एग्जाम कब हो गया? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियो में, और मैं इन सब चीजों में एकदम कॉन्फिडेंस नहीं कह पाता हूँ, क्योंकि ये आयोग का काम है कि कब परीक्षा होगा, लेकिन अधिकांशतः जो मुझे अनुभव होता है वो मैं बताता हूँ। तो अब जो एग्जाम है आपके इलेक्शन के बाद ही होंगे, ठीक है ना। इधर तो आप लोग उम्मीद नहीं करें, ठीक है। मैं 90% अपने तरफ से ये दिमाग में रखा हूँ कि अब सारे एग्जाम जो है अब एग्जाम के ये इलेक्शन के बाद ही होंगे, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत होकर इलेक्शन तक तैयारी कीजिए। प्रबंध के कितने धातु होते हैं? 2, 3, 5, 4। प्रबंध के कितने भाग धातु होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, जब प्रबंध गान में नाटकीय तत्वों को अधिक क्या है बल दिया जाता था, तो क्या कहा जाता था? रूपक, ध्रुपद, वस्तु, चतुरंग। तो जब नाटकीय तत्वों को दे दिया जाता था तो वो रूपक में आ जाता था, ठीक है। 6 अंगों तथा 4 धातुओं के मिश्रण से बनी रचना क्या कहलाती है? तराना, रूपक, वस्तु, चतुरंग, ठीक है। तो इसमें सही जो आंसर होगा, 6 अंगों तथा 4 धातुओं से मिश्रण से बनी रचना क्या कहलाती है? तो वो वस्तु कहलाती है। क्या कहलाती है? वस्तु कहलाती है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, गीत के गायन से पूर्व किया जाने वाला आलाप क्या कहलाता है? रूप का आलाप, रागालाप, अभोग, इनमें से कोई नहीं। तो गीत के गायन से पूर्व किया जाने वाला आलाप क्या कहलाता है? वो कहलाता है रागालाप, ठीक है। राग में पहले आलाप करते हैं, उसके बाद राग स्टार्ट करते हैं। रूप का आलापति के कितने भेद हैं? 2, 4, 3, 5, ठीक है। तो रूप का आलापति के दो भेद होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, भंजनी के कितने प्रकार थे? 3, 4, 2, 5, ठीक है। तो ये भंजनी जो है इसके
दो प्रकार थे। ठीक है, आगे चलते हैं। राग में कम से कम कितने स्वर होने अनिवार्य हैं? 6, 5, 4, 7। तो ये आप लोग आसानी से बता सकते हैं, पांच, कम से कम पांच स्वर होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या राग में सड़ल स्वर वर्जित हो सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट, हाँ कुछ रागों में, कभी कभी नहीं। तो सड़ज कभी नहीं वर्जित होता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है, क्या राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित हो सकता है? नहीं, हाँ कभी कभी कुछ रागों में। ठीक है, क्या राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित हो सकता है? यहाँ पे देखिए, मध्यम और पंचम, तो आप लोग जानते होंगे कि एक साथ पंचम और मध्यम वर्जित नहीं होता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, पूर्वांगवादी रागों का गायन समय होता है 12 बजे से 12 बजे रात्रि तक, 12 बजे रात्रि से 12 बजे, 4 बजे तक, 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेम ही हो गया है, 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि, यहाँ पे 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि। ठीक है, तो यहाँ पे ए मानिए या सी मानिए, ठीक है वही चीज है। तो पूर्वांगवादी क्या होता है, उत्तरांगवादी, कई बार मैं बताया हूं, एक चीज समझ लेंगे कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, पूर्वांग और उत्तरांग। ठीक है, पूर्वांग का मतलब होता है जब हम शाम के समय में, ठीक है, शाम को याद रखिएगा पूर्वांग। ठीक है, पूर्वांग मतलब पहले जो प्रोग्राम हम फंक्शन करते हैं शादी से पहले, शाम में कोई भी फंक्शन करते हैं, तो 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक पूर्वांग में आता है। ठीक है, उत्तरांग, उत्तरांग जब हमारे स्वर उतरने लगते हैं, तो 12 बजे रात के बाद हमारा स्वर उतरने लगता है, भारी होने लगता है, तो 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक जो होता है उत्तरांग होता है, और 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक इसी कार्यकाल में ज्यादा प्रोग्राम होते हैं। शाम के बेला में शादी, तिलक, विवाह सारे फंक्शन होते हैं, तो सारे जो होते हैं वो पूर्वांगवादी होते हैं, पूर्वांग में होते हैं। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांगवादी राग का गायन समय है, अभी आ गया, कब से कब? 4 बजे से 12 बजे रात्रि तक, 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक, 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक। इसमें सही ऑप्शन होगा 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक। ठीक है, चलिए, संगीत मकरंद में उल्लेखित राग रागिनी पद्धति में कितने मत प्रचलित थे? संगीत मकरंद में उल्लेखित राग रागिनी पद्धति में कितने मत प्रचलित थे? 4, 3, 5, 2। ठीक है, संगीत मकरंद में उल्लेखित राग रागिनी पद्धति में कितने मत प्रचलित थे, संगीत मकरंद पूछ रहा है। हाँ, तो 4, ठीक है ना, 4 ही प्रचलित है। यहाँ पे आइए, सोमेश्वर मत यानी शिव मत के अनुसार कितने राग तथा कितने रागिनियां बताई गई? 5 राग, 30 रागिनी, 6 राग, 30 रागिनिया, 6 राग, 36 रागिनिया, 6 राग, 35 रागिनिया, तो 6 राग, 36। शिव और कृष्ण, शिव सोमेश्वर, कृष्ण कलिनाथ, इनके अनुसार 6 राग और 36 रागिनिया, और हनुमत और भरत मत के अनुसार जो है वो कितने बताए गए थे? 6 राग और 30 रागिनिया। हनुमत के अनुसार कितने राग रागिनी? 6 राग, 30 रागिनिया, 5 राग, 36 रागिनिया, 6 राग, 25 रागिनिया, 6 राग, 25 रागिनिया। तो इन्होंने 6 राग और 30 रागिनिया बताई थी। अब ध्यान देने योग्य बात है कि सभी ने मुख्य 6 राग बताए थे, इसमें कृष्ण और शिव सोमेश्वर ने 6, 36 माने थे, लेकिन हनुमत और भरत जो थे इन्होंने क्या किया था, 30 ही रागिनियां मानी थी। भरत मत के अनुसार कितने राग रागिनी प्रचलित थी? 5 राग, 25 रागिनियां, 6 राग, 30 रागिनियां, 6 राग, 36 रागिनियां, 5 राग, 36 रागिनियां। तो इन्होंने भी 6 राग और 30 रागिनियां, 5-5 रागिनियां माने थे। यहाँ पे कृष्ण मत, कलिनाथ मत के अनुसार कितने बताए गए थे? अभी मैंने बताया, इन्होंने 6 राग और 36 रागिनियां माने थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मोरेश्वर खरे ने कितने रागांग माने? 30, 25, 20, 36। तो इन्होंने 30 रागांग माने। एक चीज और बता दूं मैं, अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आप लोग, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं कि सर ये क्वेश्चन आपने ये बताया है क्या यह सही है? मैं
देखता हूं, अध्ययन करता हूं, बताता हूं, नहीं यह गलत है, इसका सही आंसर ये होगा। कुछ बच्चे खुद कमेंट करते हैं, सर इसका सही आंसर ये होगा, आप थोड़ा देख लीजिए, मैं देखता हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप और हम बहुत अलग हैं। ठीक है, आप ही की तरह अध्ययन करना, आप ही की तरह समझना, और एक जो है ये है कि एक मित्रवत व्यवहार है हम लोगों के साथ। आप लोग सुझाव दे सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, हम गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं, उस पर हम लोग समीक्षा करके हल निकाल लेंगे कि क्या सही है नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो ब्रह्मरेख है और एकदम वही सही होगा, या फिर अगर गलत मैंने बता दिया, गलत हो गया तो बहुत बड़ा गलत हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग में ऐसा मत रखिए। ठीक है, मुरेश्वर खरे ने कितने रागांग माने, तो 30 रागांग माने। अलंकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सप्तक अस्थाई पलटा वर्ण। तो अलंकार को हम लोग पलटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पे चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, जबकि आपके दोनों एग्जाम में आए थे बीपीएससी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में। ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी दोनों में ये आया था वर्ण के प्रकार। ठीक है, 2, 4, 3, 5, तो वर्ण के 4 प्रकार होते हैं, स्थाई स्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। ठीक है, अब चलिए सप्तक कितने माने गए हैं, 3, 5, 4, 2, तो सप्तक कितने माने गए हैं, 3, 5, 4, 2, सप्तक कितने माने गए हैं भैया, तो सप्तक तो 3 ही माने गए हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। एक चीज मैं और बता दूं, देखिए क्वेश्चन मैं भी कभी गलत नहीं बताऊंगा और न बताना चाहता हूं न बता सकता हूं। ठीक है, कारण ये होता है कि मैं चाहता हूं कि कम समय में, थोड़ी बहुत गलतियां तो हो जाती है लेकिन कम समय में ज्यादा चीजें मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, मैं भी अगर 1.5 घंटे 1 घंटे में 20 क्वेश्चन बताता, उस पर खूब अध्ययन करके बताता, या 5 ही क्वेश्चन बताता हूँ, मैं इसके बारे में विस्तृत बता सकता हूँ, सप्तक कितने माने गए हैं, 3 कौन कौन से सप्तक है, किस तरह से होते हैं, कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, आप लोगों के पास भी टाइम नहीं रहता है, और चूंकि चीजें कई बार पीछे बता चुके रहते हैं इसलिए इसको अध्ययन नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं भी गलत नहीं करता, अगर इस तरह का होता कि 10 क्वेश्चन मैं ले लूं और उसको खूब पढ़ लूं, कहीं से चारों ओर से 10 क्वेश्चन को रट लूं, अब जितना टाइम मैं 10 क्वेश्चन बताने में करूं, मैं 100 क्वेश्चन बता दूंगा, और 100 में 1-2 फॉल्ट हो गए उसको देख लीजिए, पूछ लीजिए, कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, खुद ही समझदार हैं। ठीक है, तो सप्तक कितने माने गए हैं, 3। ठीक है, जानते हैं सभी लोग मंत्र, मध्य और तार। सितार के बोलो कि स्वर तालबद्ध रचना क्या कहलाता है, कायदा गत बाज तराना। ठीक है, तो सितार के बोलो कि स्वर तालबद्ध रचना क्या कहलाती है, उसको हम लोग सितार के जो बोल होते हैं उसको क्या कहते हैं, गत कहते हैं। ठीक है ना, गत। ठीक है, ये बताया मैंने। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, मसीद खानी गत के प्रवर्तक कौन थे, रजा खा, निखिल बनर्जी, अहोबल, मसीद खा। तो ये मसीद खा थे। ये सारी चीजें मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ, ठीक है, वही रिविजन हो रहे हैं, उससे भी प्रश्न बन रहे हैं। रजा खानी गत के प्रवर्तक कौन थे, मसीद खा, पंडित रविशंकर, गुलाम रजा, इनमें से कोई नहीं, तो ये गुलाम रजा थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सितार के प्रमुख कितने बाज शैलियां हैं, 2, 3, 4, 5, तो इसके भी 2 शैली है। ठीक है, पूरब बाज और दिल्ली बाज। ठीक है, विलंबित तथा द्रुत गते कितने अंगों से बजाई जाती है, 3, 4, 2, 5, विलंबित तथा द्रुत अंग, द्रुत गते कितने अंगों से, तो 2 अंगों से ही बजाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे। भातखंडे ने गणित के आधार पे 32 थाट माने हैं, राग वर्गीकरण के लिए उन्होंने कितने थाट स्वीकार किए, 10, 12, 32, 7, तो इन्होंने 10 थाट माने। ठीक है, यहाँ पे चलिए
वर्तमान समय में रागों की कितनी जातियां हैं? ठीक है, 4, 5, 3, 18। तो वर्तमान समय में रागों की कितनी जातियां हैं? हम लोग अगर औड़ो साड़ो और संपूर्ण की बात करें तो उस हिसाब से 3 होगा। ठीक है, प्राचीन समय में जो 7 शुद्ध और 11 विकृत जातियां थी उसके क्रम में 18 होगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में पूछ रहा है तो मुख्य रूप से जो जाति होती है वो 3 ही होती है, साड़ो औड़ो और संपूर्ण। ठीक है, और कुल जो बनाएंगे तो 9 होता है। जाति का वीडियो डाले हैं, उसको देख लीजिएगा। तानों के प्रस्तार हेतु किस पद्धति का निर्माण किया जाता है? थाट, सप्तक, मूर्छना, खंड मेरु। ठीक है, तो इसमें जो है तानों के प्रस्तार के लिए खंड मेरु का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहां पे देखेंगे, संगीत परिजात में गमक के कितने भेद हैं? 15, 20, 10, 7। तो संगीत परिजात में जो है 20 गमक के भेद बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है सारंग देव ने गमक के कितने प्रकार माने हैं? 15, 10, 20, 18। तो सारंग देव ने 15 गमक के प्रकार माने हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे आहत गमक को वर्तमान में क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए वर्माण इस तरह से मिसप्रिंट होता है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था मैंने लिखा, तो इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत ये भी दिक्कत हो जाती है, ऑप्शन गलत रहते हैं, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है। तो आहत गमक वर्तमान में क्या कहलाती है? गिटकरी, लीन, खटका, मीण। तो आहत कैसे, जब हम खटकता है तो उसकी आहट मिलती है। ठीक है, स्फुरित गमक वर्तमान में क्या कहलाती है? तान, गिटकरी, जमजमा, खटका। तो स्फुरित को हम लोग गिटकिरी भी कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, प्लावित गमक आजकल किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, मीण, गिटकिरी, खटका, जमजमा। तो प्लावित मतलब पलायन करना। ठीक है, तो एक स्वर से दूसरे स्वर पे पलायन करना क्या कहलाता है? मीण। ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्लावित का पूछ देता है तो याद रखिएगा पलायन। त्रिभिन्न गमक को वर्तमान में क्या कहते हैं? पुकार, खटका, मीण, तिरिप। तो त्रिभिन्न गमक को पुकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्तमान में ध्रुपद गायकी के साथ किस गमक का प्रयोग किया जाता है? कंपित, कुरूला, हुम्फित, तिरिप। ठीक है, तो इसमें हुम्फित गमक का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि गले से जोर लगाकर इसका प्रयोग होता है। मुख्य नाद के साथ उत्पन्न सहायक नाद को क्या कहते हैं? स्वयंभू स्वर, आहत नाद, विकृत स्वर, बलित स्वर। तो जो सहायक नाद होते हैं उसको स्वयंभू स्वर कहते हैं। कुछ जो स्वर होते हैं वो स्वयं उत्पन्न होते हैं उसके सहायक के रूप में, उसको स्वयंभू स्वर कहते हैं। मंद सड़ज की आंदोलन संख्या 120 मानी गई है, तो मध्य सड़ज की कितनी होगी? 270, 320, 240, 360। वो 120 मंद्र की है तो 240 मध्य की होगी। ठीक है, मुझे जितने भी क्वेश्चन मैंने गलत बताए हैं अभी तक इतने वीडियो में, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन याद है कि मैंने क्या क्या गलत बताया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, और उसका सही आंसर भी पता था और पता हो गया अगर नहीं भी था तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरह के भी गलत हो गए थे, नी की आंदोलन संख्या में मैंने 450 और तार सड़ज में 400 नी सा के लिए 480 कर दिया था इस तरह से। ठीक है, सा नहीं, नी के लिए 480 और धा के लिए 450 कर दिया था, जो कि गलत हो गया था। तो इस तरह से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, जानते हुए भी लिखते समय मंद्र सड़ज की आंदोलन संख्या 120 मानी गई है तो मध्य सड़ज की 240 होगी। ठीक है, यहाँ पे दिया है थाट में कम से कम और अधिक से अधिक कितने स्वर हो सकते हैं? ठीक है, कितने स्वर हो सकते हैं? अब देखिए केवल लिखा है कितने स्वर हो सकते हैं, किसमें मुझे ये करना पड़ा, क्वेश्चन मिसफॉल्ट था। थाट में कम से कम और अधिक से अधिक कितने स्वर हो सकते हैं? 5 से 7, 5 से 12, केवल 7, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो
थाट में देखिए केवल 7 स्वर होते हैं, आरोह और थाट में केवल 7 ही है, तो संपूर्ण जात का ही थाट होता है, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, संगीत और साहित्य का ज्ञान क्या ज्ञाता, ठीक है, ज्ञानी क्या कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, गायक नायक खलनायक वाद्यकार, तो संगीत और साहित्य का जो ज्ञाता होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाद्यकार कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं कई बार बताया हूं। यहाँ पे दिया है पार्श्वदेव ने कितने अस्थाय माने हैं, अस्थाय क्या होता है भाई, अस्थाय जो हमारे गीत होते हैं गाने होते हैं उनकी सुंदरता के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसको अस्थाय कहते हैं, जैसे तान अलाप गमक मीड़ कड़ खटका, ये सारी चीज क्या है, अस्थाय है। तो इन्होंने कितना माना है, 92, 90, 96, 72, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर 92, ठीक है ना। पार्श्वदेव ने कितने अस्थाय माने, 92, ठीक है। यहाँ पे सारंग देव ने कितने अस्थायों की संख्या मानी है, 99, 90, 92, 96, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कई बार कई किताबों में गलत बताए जाते हैं, ठीक है, और ये कंफ्यूजन युक्त होते हैं, कहीं कहीं पे अलग छाप देगा, कहीं पे अलग छाप देगा, किसी किताब में अलग छाप देगा, और जो किताब हम पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं उसी के अनुसार उसको समझते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी आप इसको ध्यान में रखिएगा कि कहीं ना कहीं से इस तरह से फॉल्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आपके आज के 50 क्वेश्चन रहे, कितना सही किए आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा, और साथ ही कोई गलत हो गया हो तो उसको माइंड न लेते हुए आप लोग उसमें सुझाव दीजिएगा, आप बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ये होगा, मैं खुद देखूंगा, ठीक है। और ये मैं हमेशा आप लोगों से मेंशन करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर वीडियो में लमसम बताता हूँ, कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया ब्रह्मरेख है, जो मैंने बता दिया सही है, और अगर गलत भी बता रहा हूँ तो जानबूझकर आप लोगों को गलत बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।